पंखा घर पर है बेटा? पापा हैं, पर हम लोग भिकमंगों को कुछ देते नहीं। पता है ना, हम लोग भिकमंगों को कुछ देते नहीं। अरे रुको रुको, तुमने पहचाना नहीं हम भिकमंगा नहीं हैं। अरे बेटा, हम पांडे अंकल हैं तुम्हारे पड़ोसी। पापा से कहो पांडे अंकल आए हैं। अरे सॉरी, हमने पहचाना नहीं। अब लुटेरे पैजामा भी नहीं छोड़ रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से यही सब होता है। अंदर आइए। अरे आपको क्या हो गया भाई साहब? इनकम टैक्स रेड हो गई क्या? अरे क्या पूछ रही हो, साफ दिखलाई पड़ रहा है पांडे घर में मार का करा रहे हैं। इस बार भाभी जी ने शर्ट पैजामा भी फाड़ दिया। इतनी जोर से मारना तो गलत है, दो चार टिप्पी बहुत है। ये टिप्पी क्या होता है भाभी जी? टिप्पी लप्पड़ थप्पड़ चमार जापड़ कंटाप, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। टिप्पी सबसे हल्की और कंटाप सबसे ज्यादा जोरदार होता है। वाह मेरे रामानुजम, वो लोटा भूल गए बेटा? पांडे तुमने कभी माथे पर लोटा खाया है? लोटा कंटाप से भी बड़ा शस्त्र है। लोटा शस्त्र नहीं, अस्त्र है। जो फेंक के मारा जाता है वो अस्त्र। देख लो अपने श्रवण कुमार को, न जाने कहां से ये सब नॉलेज लेकर आ रहा है लंगूर। हमारी कनपट्टी गरमा रही है और हथेली में कांटे गड़ रहे हैं। अभी हम चुप हैं तो चुप रहने दो। अरे भाई साहब छोड़िए इन सब बातों को। आपका लड़का PhD कर रहा है क्या? 7 साल का है, कक्षा 5 में पढ़ता है। न जाने कहां से इतनी बुद्धि घुस गई है इस राक्षस की खोपड़ी में। हमारे पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं था जो हाई स्कूल एक बार में पास हो गया हो। तो भाभी जी के घर में जीनियस लोग होंगे। तुम्हारी भाभी का पूरा खानदान जेल में बंद है। इनकी दादी 95 साल की उम्र में मरी। 3 कत्ल और 12 अपहरण के केस थे। अंगूठा छाप थी। मरने के बाद भी अंगूठा बहुत देर तक गर्म रहा। पूरे कानपुर और बांदा में चाकू वाली चाची के नाम से मशहूर थी। बड़ी इज्जत थी उनकी। पूरा परिवार कुंभकर्ण का रिश्तेदार है। ये फ्रस्ट्रेटेड इंसान है और फ्रस्ट्रेशन में आता है क्रोध। इनको जरूरत है दिमागी इलाज की। हाँ हाँ, हम हो गए हैं पागल। जब लड़के की बुद्धि आइंस्टाइन जैसी होती और बीबी की मंथरा जैसी हो तो आदमी इस कॉम्बिनेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पगला जाता। अरे छोड़िए ये सब, भाभी जी थोड़ा जाड़ा लग रहा। भाई साहब की कोई पुरानी कमीज हो तो। अरे गुड्डन बिटिया, अंकल के लिए पापा की एक शर्ट लेके आओ। लेकिन एक बात बताइए, झगड़ा क्या था? अरे झगड़ा क्या था, वो सब सामान जल गया, मतलब जला दिया। जला दिया क्यों? बहुत ठंडी लग रही थी क्या? अरे सुबह सुबह अखबार में छपा कि चीन बदतमीजी कर रहा है, तो वही सब पढ़कर घर में कहने लगी कि तुम दिन भर चाइनीज आइटम में लगे रहते हो, शर्म नहीं आती। चाइनीज आइटम? हमारे कितने चाइनीज आइटम है तुम्हारे पास? अरे एक है दो समझो, लेकिन महस बढ़ गई तो हमें भी गुस्सा आ गया, सब चाइनीज सामान जला दिया। टोपी जैकेट शर्ट पैंट फोन कैमरा लाफिंग बुद्धा, बड़ा नुकसान हो गया। तुम्हें क्या जरूरत है चाइनीज आइटम की, तुम खुद ही चाइनीज हो। अरे ये मजाक का समय नहीं है भाई साहब, चड्डी बनियान में है। अरे गुड्डन। अरे ये पांडे अंकल को क्या हुआ, एकदम भिकमंगा लग रहे हैं। अंकल अभी हम लोग भिकमंगा भिकमंगा ही खेल रहे हैं, आप खेलेंगे? नहीं। तो चुट्टा छुट्टी खेलेंगे? नहीं। तो फिर लपड़ा पट्टी? नहीं। तो फिर चीन की घिसाई चीन की पिटाई, एकदम नया खेल है, आपकी शक्ल भी चीनी हो जैसी है। अरे ज्यादा नहीं मारेंगे, बस खेल है। अरे यार गुड्डन शर्ट यहाँ देकर जाओ, अंकल को रुला दिया। अरे पांडे तुम तो यार बच्चे की भी बात पर रोने लगे। अरे कह रही थी मारेगी थोड़ी। पांडे अंकल गुड्डन की बात पे नहीं रो रहे हैं, इनके मन में कोई बात दबी हुई है सब कॉन्शियस में। अगर तुरंत साइकियाट्रिस्ट का इलाज नहीं हुआ तो ये सुसाइड करने वाले हैं। तो हम अभी दिमाग के डॉक्टर को फोन लगा रहे हैं, डॉक्टर BK सपरा। लो लग गया। बम बोले बैजनाथ नागा सपेरा। अरे बैजनाथ वहाँ अंधेरा क्यों? यहाँ रात है। काम बोलो श्रीवास्तव महाराज, हम अमेरिका में हैं। अमेरिका में? अमेरिका में क्या कर रहे हो? अरे वाइट हाउस में चाइना के सांप घुसे हुए हैं, ट्रंप महाराज ने बुलाया है।
हमारे घर में भी सांप घुसे हैं, उन्हें भी पकड़ना है। महाराज सांप सिंगल हैं कि जोड़े में? अरे सांप का जोड़ा नहीं है, माँ बेटा है। परसों काम हो जाएगा महाराज। हम बोले किससे बात हो रही थी? फोन डॉक्टर सपरा को लगाया था कि नागा सपेरा को? अरे वो गलती से लग गया, डॉक्टर बी के सपरा और बैजनाथ सपेरा, नाम मिलता जुलता है ना, तो गलती हो गई। अगर गलती से फोन नागा सपेरा को लग गया तो कौन सा सांप पकड़वा रहे थे? अरे कल उधर दो सांप दिखलाई पड़े थे तो वही सोचा कि चलो पकड़वा दें। तो तुम्हें कैसे पता कि सांप माँ बेटा? इधर देखो श्रीवास्तव, सब समझ में आ रहा है, हमको हमारे लड़के को सांप बता रहे हो। तुमको और तुम्हारे लड़के को सांप नहीं बता रहे हैं, यहाँ असली सांप दिखे थे कल। असली सांप हैं? असली सांप? तो असली सांप अब रोज दिखेंगे यहाँ, तुमको काटेंगे डसेंगे और सपने में आएंगे। नीले पड़ जाओगे श्रीवास्तव, नीले। अरे श्रीवास्तव जी, यहाँ पांडे जी आए क्या? हाँ ये क्या बैठे हैं, सब चाइनीज आइटम छोड़कर कच्चा बनियान में बैठे हैं। अरे पांडे जी को बता दो कि उनकी वाइफ और इनके मल्टीनेशनल ऑफिस की दो चाइनीज लड़कियों में महाभारत हो रहा है, उनसे कहो कि दो रक्षाबंधन लेके तुरंत ऑफिस पहुँचे। अरे गुड्डन, कहीं से दो पुराने रक्षाबंधन ढूंढ कर पांडे अंकल को दो, ये चाइनीज फ्रंट पर जा रहे हैं। आओ पांडे जल्दी जल्दी आओ, आओ पांडे जल्दी जल्दी आओ। अत्यधिक शहरीकरण और मानसिक दबाव के कारण इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। चाइनीज आइटम को बैन करें और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दें। मानसिक दबाव को कम करने के लिए हमारे चैनल को देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।